SBI के बारे में भी मैं आपसे पता करूंगा, और मैं एक काम करता हूँ, डिटेल आपके सामने रख ही देता हूँ क्योंकि नंबर्स आए हैं उसके, तो मैंने जितने रीडिंग की है उस हिसाब से नंबर्स तो ठीक लग रहे हैं। अगर आप ब्याज से आए देखेंगे तो जितना हमारा अनुमान था 38,000 करोड़ का, उससे ज़्यादा आया। ग्रॉस NPAs कम हुए हैं, 3.5 से 3.14, नेट NPAs 0.8 से 0.7। अब किसी को लगेगा कि 0.8 से 0.7% की क्या कीमत है, बहुत बड़ी कीमत है। देश का सबसे बड़ा बैंक है, इसका 0.10 यानी कि 10 बिप्स का बदलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक और बात, ब्याज से आय पे प्रॉफिट्स की टर्म्स में, रेवेन्यू के टर्म्स पे और नेट प्रॉफिट NPS के टर्म्स पे, ग्रॉस NPA के टर्म्स पे नंबर्स उम्मीद से बेहतर आए हैं मार्केट के। कमेंट्री भी आएगी, जब आएगी तब बात करेंगे उसकी, लेकिन सिर्फ नंबर्स को देखने के बाद, स्ट्रक्चर को देखने के बाद, अडानी ग्रुप के थोड़े फियर को कम होने के बाद, पार्थिव सर इसमें क्या करना चाहिए? आई थिंक फैंटास्टिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेट ऑफ नंबर्स है। मैं सिर्फ एक एनआईए की बात करूं तो सालाना एनआईए में ऑलमोस्ट 24 to 25% का ग्रोथ है, और दिस हैज परकुलेटेड एक्सट्रीमली वेल इनटू द प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज हमने देखा है कि जो एनपीए का लेवल है बैंक का, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक इंप्रूवमेंट की ट्रेजिक्ट्री पे जा रहा है। और ये क्वार्टर में डिस्पाइट द फैक्ट कि प्रोविजनिंग उन्होंने करीबन, अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करूँ तो प्रोविजनिंग करीबन उन्होंने 2,000 करोड़ से बढ़ाई है, डिस्पाइट दिस हम देख रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसका जो रिजल्ट है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी वो ज्यादा है। इनफैक्ट अनुमान से मेरे को लग रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी है वो करीबन 500 से 700 करोड़ ज्यादा ही है। गोज टू शो कि इस तरह की जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिस तरह की बुक की साइज है, और जब क्लीनअप हो जाता है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो भी अभी 91.5% के आसपास रहता है, तो इट इज अ बैंक विच कैन डिलीवर प्रॉफिटेबिलिटी विच इज इवन बिगर देन सम ऑफ द कंपेरेबल कॉर्पोरेट पीयर्स लाइक से रिलायंस है, TCS है। तो आई वुड से शानदार रिजल्ट है। आई थिंक अभी भी बैंक काफी अंडर वैल्यूड है, नो डाउट आज के उनके कॉन कॉल में काफी क्लैरिटी मिलेंगी, बिकॉज मार्केट डर गया था इन टर्म्स ऑफ इनका जो एक्सपोजर है, बिकॉज हमेशा SBI को लिंक किया जाता है अदानी ग्रुप से, तो कितना एक्सपोजर है उसका, कितना कोलैटरल सामने उन्होंने लिया है, कैश फ्लो जनरेटिंग एसेट्स, ये सब का जस्टिफिकेशन आएगा, तो मुझे लगता है कि ये रिजल्ट्स पे मंडे को आई थिंक बहुत अच्छा रिएक्शन आना चाहिए इस पे।